इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। नमो अरिहन्तार्णौ नमो सिद्धार्णौ नमो आय रियाणौ नमो वज्रायाणौ नमो सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए छुल्लक गंभीर सागर जी महामुनिराज की जय। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में देख रहे ऑनलाइन जिज्ञासी भक्तों की ओर से आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल एवं सुधा सकलस के माध्यम से देख रहे सभी श्रावकों की ओर से एवं मुनि श्री के समक्ष बैठे उपस्थित सभी श्रद्धालुजन की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज श्रीमती पूनम जी मोदी एवं इसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्री अभिनंदन जी सिंह। उपसर्ग विजेता हे भागी तीर्थंकर, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि शब्द नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, एक तरफ तो स्त्रियां जैसे 16 श्रृंगार करती हैं, तो उन्हें उस चीज से भी इतनी मोह माया रहती है कि वो हर समय तैयार रहती हैं कि हमें 16 श्रृंगार करना है। तो वो नारी अपने स्त्री पराय का कैसे वो करे कि अगले जन्म में भी वो पुरुष पर्याय प्राप्त कर सके। पहली बात तो है, जितनी ललक अभी पैर छूने की है, यह ललक यदि एक भाव पहले होती तो ये उपद्रव ही नहीं होता। हाँ, अपने आप पुरुष पर्याय मिलती, क्योंकि यही तो फिक्र की नहीं मायाचारी करते समय, यही तो फिक्र की नहीं संसार में जो स्त्री वेद के बंद के कारण हैं, उन बंद के कारणों पर ये विचार नहीं कर पाया व्यक्ति कि यदि मैं ऐसे परिणाम करूँगा तो मेरी पुरुष पर्याय खत्म हो जाएगी, स्त्री पर्याय मिलेगी। जिस समय कर्म का बंद होता, ये विचार नहीं कर पाया व्यक्ति कि यदि मैं ऐसे परिणाम करूँगा तो मेरी पुरुष पर्याय खत्म हो जाएगी, स्त्री पर्याय मिलेगी। जिस समय कर्म का बंध होता है उस समय व्यक्ति विचार कर ले। विचार कब करता है? जब कर्म का उदय आता है। उदय आता है तब विचार करता है, कुछ बस नहीं चलता। कर्म बंध के कारणों पर विचार कर ले तो ये मौके नहीं आएंगे कि हमें किसी बात को तरसना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा मौका नहीं आ पाता। जैसे कल हमने कहा था, कोई व्यक्ति कहता महाराज जी मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समर्थ नहीं है। यदि यही विचार एक भाव पहले आ जाता, जब धन दौलत था, तो आज तुम मंदिर बना रहे होते और समोषण में बैठ के पूजा भी कर रहे होते। व्यक्ति चेतता है उस समय जब उसके हाथ से चला जाता है।
रही बात 16 श्रृंगार की बात, श्रृंगार होना अलग चीज है और राग होना अलग चीज है। श्रृंगार कभी कभी अपनी मुद्रा ऐसी बनाना जिससे दूसरा आकर्षित हो, राग बढ़ाने की भाव से पहनना वो गलत है, लेकिन शगुन के रूप में पहनना ठीक है। राजा महाराजा पहनते थे, भरत चक्रवर्ती पहनता था, माता मरुदेवी श्रृंगार करती थी, 16 श्रृंगार करती थी। तो ऐसे 16 श्रृंगार जो हैं ये बुरे नहीं हैं। वो श्रृंगार आपने किस दृष्टि से किया है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका भाव क्या है। उस भाव के यदि मान लीजिए दिवाली का दिन है, आपने शुभ शगुन के रूप में पहने हैं आज सारे आभूषण, एक शुभ शगुन हो तो कोई दोष नहीं है, तो ये आपके अभिप्राय के ऊपर है। जी आशीर्वाद दीजिए, हम भी अपना स्त्री का भेदन करें और अगले जन्म में पुरुष पर्याय जिज्ञासा रखेंगे एडवोकेट अभिनंदन जी सिंह एवं इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना जी कठरिया। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके पावन पुनीत द्वय चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान आचार्य भगवंत मान तोंगाचार्य ने भक्तामर जी स्त्रोत में कहा है, हे तितने ही ते परमाणु याते तुम सम रूप न आनु। अर्थात जगत में उतने ही परमाणु थे जिन्होंने श्रेष्ठ परमाणु जिसके द्वारा आपके शरीर का निर्माण हुआ। हेलो, लेकिन भगवान संपूर्ण परमाणुओं के एक ही जगह एकत्रित होने के बाद भी संपूर्ण शरीर में वो महत ना किसी और अंग का मिला, चाहे उसमें आशीर्वाद देने वाले हाथ हो और चाहे जो है दिव्य देशना खेलने वाला कोई भी अंग हो सरकार भगवान, क्योंकि विसर्जन पाठ में कहा है तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। आपकी जिज्ञासा क्या है बताइए। यही कह रहा हूँ महाराज भगवान, क्योंकि विसर्जन पाठ में कहा है तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। आपकी जिज्ञासा क्या है बताइए। यही कह रहा हूँ महाराज कि तपत मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तबलो ध्यान रहे प्रभु जबनो पाया न मुक्ति पद मैंने। हे भगवान, तो उन चरणों का ही इतना सर्वस्व प्रभाव है अक्षयकारी, इतना प्रभाव शरीर के किसी और अंग का नहीं हो भगवान, यही मेरी जिज्ञासा के और अंगों का इतना महत्व क्यों नहीं बताया। इसके संबंध में मैंने कई बार दो चार दिन प्रश्न भी दिए हैं कि चरणों की ही वंदना क्यों की जाती है, चरणों का ही गंधोदक क्यों लिया जाता है, चरण ही क्यों छुए जाते हैं, चरणों से ही गंधोदक क्यों बनता है, सिर से गंधोदक क्यों नहीं बनता, हाथों से गंधोदक क्यों नहीं बनता। उसका मूल कारण दो कारण है। एक कारण है सबसे अधो भाग के में जब व्यक्ति झुक जाता है तो उस समय उसका मान पूर्णता खत्म हो जाता है। जय हो। और जब मान खत्म होता है, जब वो नमोस्तु करता है चरणों में, तो वह ये बताना चाहता है कि आपके सामने मैं आपके चरणों की धूल हूँ। और वो अपने आप बता रहा, जैसे तुम कहते हो ना गुस्से में, हे तू मेरे पैर की जूती है, जूती भी नहीं है, ये गुस्से में बोलते हो तुम बोलते हो। इधर वो भक्त कह रहा है भगवान मैं आपके चरणों की धूल हूँ, यानी अपने आप को भक्ति में अकिंचित कर मानना, सबसे निम्न रूप में मानना, इसलिए चरणों में झुका जाता है। दूसरी बात है कि साधु की सबसे ज्यादा एनर्जी पैरों में होती है, क्योंकि 24 घंटे में साधु और कहीं हिंसा होने का सवाल नहीं उठता, और कहीं से जीवों की रक्षा नहीं करता, सबसे ज्यादा पैरों से जीव मरते हैं और सबसे ज्यादा पैरों से जीव की रक्षा करता है। तो जब साधु चलता है तो रक्षा करने का भाव पैरों में आता है। अब जिन पैरों में साधु की 24 घंटे एनर्जी है कि मेरे पैर से सदा जीवों की रक्षा हो, ऐसी एनर्जी जब साधु पैरों को देता है तो उन पैरों को छूने से, उनका गंधोदक लगाने से आपके जीवन की रक्षा होती है, इसलिए पैरों को छुआ जाता है। क्योंकि हाथों से कम, हाथों की ज्यादा चिंता नहीं होती, हीरियापद जो समिति होती पैरों से होती है। तो इसलिए ये कारण मनोवैज्ञानिक कारण भी है
कि साधु सबसे ज्यादा अपने पैरों को एनर्जी देता है। और दूसरी बात है, तीसरा जो वैज्ञानिक कारण है कि नीचे अर्थ होता है जमीन में। कोई भी वस्तु है ऊपर जाने के बाद अंत में नीचे आएगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि एक पत्थर ऊपर फेंका लेकिन वो अंत में लौट के कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो पैर चूंकि जमीन से स्पर्श करते हैं, अर्थिंग लेते हैं, तो साधु की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पृथ्वी के कारण से, गुरुत्वाकर्षण कारण से वो नीचे की तरफ प्रभावित होती है, इसलिए पैरों को छुआ जाता है। नमस्ते। ये वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक रीजन, ये तीन कारण हैं। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती वंदना जी कठरिया एवं इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमार जी गंगवाल रूपनगढ़ वाले नारेली। जगत पूज्य श्री पुंगा श्री मुनि सुदा सागर जी महाराज जी, मेरे अथाय श्रद्धा के भंडार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि मुझे एक स्वप्न बार बार आता है और महाराज श्री अभी परसों भी आया है कि मैं देव दर्शन को मंदिर में जाती हूँ। जब मैं मंदिर में जाती हूँ तो माने पैर धो के और अंदर प्रवेश करती हूँ महाराज श्री, लेकिन महाराज श्री जब मैं दर्शन करती करती मुझे ऐसा आभास होता कि मैं पैर में चप्पल पहने हूँ। तो महाराज श्री मैं तुरंत बाहर आती हूँ, मगर महाराज जी मुझे ये जब जाते हैं महाराज श्री जब पैर में चप्पल नहीं होती। स्वप्न में? जी स्वप्न में महाराज जी, बार बार जी स्वप्न आता है। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम बार बार चप्पल ही पहनती रहती हो दिन भर, इसलिए वहां भी आ जाता है। अब स्वप्न की बात है, अपने परिणामों को विशुद्ध रखो। मंदिर आदि जाते समय बिना चप्पल जूते के अवजमना चप्पलों के आना चाहिए, तो धीरे धीरे उनका अभ्यास कम करो महाराज जी। तो जो सपना किसी अशुभ का संकेत है या किस चीज का बेर बेर संकेत देता है? संस्कारों का संकेत है, संस्कार में कमी है महाराज जी। संस्कार मेरे पिताजी जिज्ञासा करेंगे प्रदीप कुमार जी गंगवाल रूपनगढ़ वाले। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीना निशांत जी बरगिया। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब से नारेली ज्ञानोदय अतिथि क्षेत्र में मुनि सुरक्षनाथ भगवान आए हैं और जब से अभी तक से ये नई कमेटी ने काम संभाला है, जिसमें मुख्य रूप से निर्माण के रूप में श्रीमान निरंजन जी वेद किशनगढ़ वालों ने काम संभाला है, उसके बाद से नारेली का काम ऐसे लग रहा है महाराज जी जैसे चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। चारों तरफ जाते हैं तो नारेली में चारों तरफ ही काम अभी दिख रहा है। तो महाराज जी ऐसा 2 साल में क्या हो गया कि पूरे नारेली में भी पूरा निर्माण कार्य चालू है? नमोस्तु भगवत। एक पिता था, बेटा क्लास में फर्स्ट आया, 80 नंबर लेकर आया, गोल्ड मेडल उसको मिला और गोल्ड मेडल मिलकर के सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसने पिताजी को दी, पिताजी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, 80 नंबर लाया हूँ। तो पिताजी ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा कि पहले ये बता 20 नंबर कहाँ गए? वो 20 नंबर कहाँ है ये बताओ। नहीं महाराज जी, पूरे नारेली में मैं कह रहा हूँ ना, तुम कितने चले हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, अभी कितना चलना है ये महत्वपूर्ण है। कितना किया है ये महत्वपूर्ण नहीं, अभी कितना करना है वो नारेली है। ऊंट के मुंह में कितना ही करो जीरा, ऊंट होता ना वो एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो अभी ये मत देखो कितना किया है, अभी कितना करना बहुत बाकी है, बहुत चलना है। तो तुम 80 नंबर देख रहे हो और मैं वो 20 नंबर देख रहा हूँ कि निरंजन लाल के 20 नंबर कहाँ है। 80 नंबर तो तुम्हारे हो गए लेकिन 20 नंबर कहाँ है? जैसे आपका पिता आपके बेटे को आप 100 रुपया दे के आओ और वो साल के अंत में 80 रुपया सौंपे तो आप 80 रुपये पे खुश हो गए कि 20 रुपया कहाँ गया बेटा ये बता। तो ये है, काम बहुत अच्छा हो रहा है नारेली। वैसा ही एक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, एक विश्व के पटल पर अपने आप में पहला क्षेत्र है जिसने इतने जल्दी
सारे विश्व में अपना आस्था का स्थान बना लिया। पूरे भारत में चाहे दक्षिण चले जाओ साहब, कहीं चले जाओ, जैसे ही ज्ञानोदय का नाम आता है हर व्यक्ति को मालूम है, दक्षिण को भी मालूम, महाराज को, जहाँ के दुनिया के सारे लोगों को, ऐसा कोई भी भारत का देश नहीं बना, क्योंकि उसने अपना प्रस्तुतिकरण, उसकी उपलब्धि, उसकी शुरुआत इतने विशाल रूप से हुई है कि हर व्यक्ति में वह हजारों हजारों साल पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं, वे अभी सारे भारत की दृष्टि में नहीं है, लेकिन ज्ञानोदय सारे भारत की दृष्टि में आ चुका है। कमेटी काम तो कर ही रही है, दौड़ भी रही है, बस मुझे तो यही चिंता है कि कितना तुम चल गए हो, अभी कितना चलना है उस पर विचार करो। अभी ज्ञानोदय बहुत 700 बीघा का क्षेत्र है, कोई छोटा मोटा नहीं है, और योजनाएं कितनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार मुझे बुलाने की अपेक्षा, क्योंकि जब जब तुम्हें किसी क्षेत्र में मुझे बुलाया, नियम से और कार्य बढ़ गए। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं ये मान के कि चलो भाई कार्य पूरा हो जाएगा, चलो अब पूर्व नाम लगा के जाऊंगा, और मेरे पहुंचते ही काम इतने बढ़ जाते हैं कि पुराने काम तो रह जाते हैं कम और नए काम हो जाते हैं ज्यादा। कमेटी का कोई रोल नहीं है, ये सब का आपका आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा से काम होता है, बाकी हमारे में क्या पड़ा हुआ है गुरुदेव। बहुत अच्छा है कमेटी, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा प्रशंसनीय काम कर रही है। बस जो दातार बेचारे ज्ञानोदय में दान लेकर के बैठे हैं, उन दातारों को अपने दिए हुए दान को अपनी आंखों से देख लें, ये प्रयास तुम्हें करना है। और हमारे बीच उपस्थित श्री ज्ञानोदय नारियली तीर्थ क्षेत्र कमेटी आए और श्री जी श्री मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करवे और जिज्ञासा रखेंगे। श्रीमती रीना जी निशान जी वर्गिया एवं इसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जी वाकलीवाल, अध्यक्ष मुनि संघ सेवा समिति अजमेर। और इसी क्रम में हमारे यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आए और नारियली तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सभियों सभी ट्रस्टी अध्यक्ष मंत्री का सम्मान करें। पूज मुनि श्री सुदासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, जब आपका पिछी परिवर्तन होता है तो उसमें आपको, जब आपका पिछी परिवर्तन होता है आपका या आदिका माता का, तो उसमें पिछी ली जाती है और दी जाती है, तो उसमें जब पिछी ली जाती है या दी जाती है तो आप लोगों के द्वारा नियम दिए जाते हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं, तो हमने देखा है कि वो पालन सिर्फ औरतें ही करती हैं, आदमी कभी पालन नहीं करते हैं। तो क्या आदमियों को माफ है कि उनको पाप नहीं लगता है, सिर्फ औरतों ही को पाप लगता है? हम लोग अगर एक भी नियम छूट जाए तो प्रायश्चित लेते हैं? नहीं, दोनों को लगता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को बराबर पाप लगता है, पर तुम लोग सीधी सादी हो इसलिए प्रायश्चित ले लेते हैं, ये लोग थोड़ा गुंडागिरी करके प्रायश्चित नहीं लेते हैं, लग गया तो लग गया, प्रायश्चित भी नहीं लेते महाराज जी, और शरम भी नहीं लेते। संवेदनशील होते हो, ये संवेदनशील नहीं होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। चले जिज्ञासा रखेंगे महाराज श्री सुशील जी बाकलीवार और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राशि घिया। नमोस्तु माया जी, नमोस्तु माया जी। कल तो विधान कराने के लिए क्या मोहरत की मोहरत को देखने की आवश्यकता होती है या कभी भी इसे करवा सकते हैं? कल तो विधान कराने के लिए क्या मोहरत की आवश्यकता होती है या कभी भी करवा सकते हैं? देखो, मुहूर्त तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, शुरुआत का मुहूर्त देख लेना चाहिए, बाकी बारह मासी में कभी भी करा सकते हैं, पर प्रारंभ का ध्वजारोहण वगैरह मंगल कलश स्थापन के लिए प्रारंभ का एक दिन का मुहूर्त देख लेना चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है कि इसी महीने में कराना चाहिए, इसी में करा, ऐसा कुछ नहीं,
बारामासी कभी भी करा सकते हैं। स्टार्टिंग में मोहयत देखना चाहिए। हाँ, पहला दिन देख लेना चाहिए। हाँ, वो शगुन के रूप में। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती राशि जी घिया एवं इसके बाद तैयार रहेंगे संदीप जी छपारा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अपन को रास्ते में कोई चीज मिलती है पैसे या सोने चांदी की तो अपन गुल्लक में डाल देते हैं मंदिर की, तो क्या उससे पाप लगता है या पुण्य लगता है? नहीं लगता, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। माल तुम्हारा है नहीं, पुण्य लगेगा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। वो गुल्लक में डाल दिया है इसलिए पाप लगेगा नहीं, क्योंकि अपने पास नहीं रखा है, इसलिए ठीक है। जिज्ञासा करेंगे श्री संदीप जी छपारा एवं इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नवली जी शास्त्री। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, दो या तीन कल्याणक वाले भगवान क्या सिर्फ विदेह क्षेत्र में होते हैं या नहीं, या पांच कल्याणक वाले होते हैं? विदेह क्षेत्र में दो कल्याणक वाले, तीन कल्याणक वाले, पांच कल्याणक वाले, तीनों प्रकार से होते हैं। कोई भी तीर्थंकर होगा या तो पांच कल्याणक का या तीन कल्याणक का या दो कल्याणक के होते हैं, तो विदेह क्षेत्र में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती लवली जी शास्त्री एवं इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अमित जी शास्त्री। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाता है तो हमें भगवान के सामने कैसी भावना भानी चाहिए? श्रीफल चढ़ाते हुए अच्छी भावना भाना चाहिए कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ जो फल है, आपकी भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वह फल मुझे प्राप्त हो, जिसे कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त आए फलम निरुपामति स्वाहा। जो सर्वश्रेष्ठ फल भक्ति का हो, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ फल लाया हूँ, सारे फलों में सर्वश्रेष्ठ फल श्रीफल होता है, इसलिए ऐसी भावना भाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर अमित जी शास्त्री एवं इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना मिठिया। तीर्थ चक्रवर्ती निरापक श्रमण मम गुरु मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के अक्षयकारी पावन चरणों में मेरे कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जब ईर्ष्यावश आरोप लगाए जाते हैं तो वह उस समय हमारा कौन से कर्म का उदय रहता है? ईर्ष्यावश आरोप लगाए जाते हैं जहां कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं भगवान। देखो, कर्म का उदय तो कोई ना कोई रहता ही है, और संसार में अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, तो दुर्जन तो रहेंगे ही, तो दुष्ट लोग दुर्जन लोग जो होते हैं उनकी कमी नहीं होती दुनिया में। दुर्जन को हमेशा दोष ही दिखते हैं, सावन को आंधरे को हरा हरा ही दिखता है। तो दुर्जन लोग जो होते हैं उनको सज्जनों में गुण नहीं दिखते, दुर्गुण ही दिखते हैं, नहीं होते हैं तब भी दिखते हैं, ये दुर्जनों की विशेषता है, उनका नेचर है। वो किसी वस्तु में गुण देख करके उतना प्रभावित नहीं होंगे, उनके गुणों का उतना गुणानुवाद नहीं करेंगे, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने देखो कितना अच्छा काम किया, इसके लिए उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। दुर्जन की पहचान बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बात है। दुर्जन तुम हो या नहीं हो, कौन दुर्जन है? अभी प्रश्नों में भी मैंने कहा था गुण शुभ प्रमोदम के लिए, किसी व्यक्ति में यदि कोई गुण है उसके लिए हम उतना नहीं बोलेंगे, उतनी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम 100 लोगों से नहीं कहेंगे ये व्यक्ति में बहुत अच्छा गुण है। उसी व्यक्ति में यदि कोई दुर्गुण दिख जाए उनको, तो वो सारी दुनिया में चिल्लाएंगे यही दुर्जन का लक्ष्य है। महादुर्जन कौन है? जिसमें दोष नहीं है, गुण भी जिन्हें दोष दिखता है, गुण भी जिन्हें दोष दिखता है, ये महादुर्जन कहलाते हैं।
तो अब उनका नेचर ही है, क्या करोगे तुम? उल्लू को दिन में नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, करें क्या? इसमें सूरज के कर्म के उदय नहीं है, उस उल्लू के कर्म का उदय है। जय हो भगवान, जय हो। सूरज की निंदा कर रहा है उल्लू, सूरज को कोस रहा है उल्लू, सूरज की बुराई कर रहा है उल्लू, तो इसमें सूरज के कर्म का उदय है कि उल्लू का? उल्लू का है। उल्लू का। भगवान की बुराई कर रहा है व्यक्ति, जो भगवान सिद्धालय जा चुके, जो भगवान अरहंत बने, मारी चुनकी बुराई कर रहा है, तो अब अरहंत भगवान की बुराई कर रहा है मारीच, तो अरहंत भगवान के अशुभ कर्म का उदय है कि मारीच का? मारीच। भगवान का तो कोई अशुभ कर्म उदय में है ही नहीं। अब सज्जन पुरुषों की जब भी बुराई होती है तो ये मत समझना कि सज्जनपुर के अशुभ कर्म का उदय है, उस दुर्जन व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय है कि वो बुराई कर रहा है। आज ही हमने प्रातः काल कहा था कि सज्जन व्यक्ति के अंदर जो ये मत सोचो कि आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म का उदय है, क्या सोचना है? हमारे दानांतराय कर्म का उदय। तो यही नीति अपनाना चाहिए, सज्जन पुरुषों के कभी अशुभ कर्म का उदय होता ही नहीं है, क्योंकि वे अशुभ को अशुभ मानते ही नहीं, सीधी बात। कारण क्या है? सज्जन पुरुषों का कभी अशुभ कर्म का उदय होता नहीं, क्योंकि वो अशुभ कर्म उदय को मानते ही नहीं। आयस कीर्ति उदय में होती ही नहीं है। आयस कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान तक है, अब पंचम में और छठे गुण स्थान में आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय ही नहीं है, तो अब कैसे कहें कि महाराज सज्जन पुरुषों का आयस कर्म का उदय है? कोई अपवाद कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो साधु के तो कर्म का उदय है ही नहीं। आगम कह रहा है, शास्त्र में लिखा है, कितना भी अपवाद कर देना, चौथे गुण स्थान से ऊपर आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है ही नहीं। अब मान लीजिए कोई साधु को गाली दे रहा है, बुराई कर रहा है, पंचम गुण स्थान प्रतिमाधारी से, दो प्रतिमाधारी से लेकर के और मुनि महाराज तक कभी अयस नाम कर्म का उदय नहीं होता, होता ही नहीं। अब कोई अपवाद फैला रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो महाराज के कर्म का उदय नहीं है, जो कर रहा है उसके कर्म का उदय है। आगम से सिद्धांत से बात है, अयस कीर्ति नाम कर्म चौथे गुण स्थान से उदय में होता है। और जीव विपाकी है, जीव विपाकी होने का अर्थ होता है सारी दुनिया कुछ भी कहे, स्वयं को फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे कर्म का उदय है, स्वयं को तो ये होना चाहिए अच्छा है हमारे कर्मों की नजरा हो रही है, परीक्षा हो रही है, तो साधु को तो आयस होता ही नहीं है। पंचम गुणा वृत्ति, दो प्रतिमाधारी के ऐसे नाम कर्म का उदय नहीं है। कर्म का उदय तो बस कितना बढ़िया उदाहरण है, सूर्य की उल्लू निंदा कर रहा है तो सूर्य के कर्म का उदय नहीं है, उल्लू के कर्म का उदय है। तो ये उल्लू लोग हैं, अब उल्लुओं को तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बेचारे 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 कर्म का उदय है, वो करें क्या, उन्हें तो सूर्य भी बुरा लगता है। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अंजना जी मिठिया एवं इसके बाद तैयार रहेंगे निरंजन जी वैद्य निर्माण मंत्री ज्ञानोदय नारीली। साधु परमेश जी को मेरा मन वचन का ऐसे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम साल में दो तीन बार आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हैं, हमारे बेटे ले जाते हैं, बेटे ने कहा मम्मी इस बार तो प्रतिमा लेना है चाहे कुछ हो जाए, तो हमने कहा सोचा ही नहीं कुछ भी, मैंने भी कहा हाँ लेना है, और मैंने दो प्रतिमा ले ली। मगर महाराज जी, मैं अष्टमी चतुर्दशी को एकासन तो करता हूँ, मगर एक बहुत बड़ा पाप करता हूँ कि मैं शाम को पानी पीती हूँ, मेरे ब्लड प्रेशर लो होता है इसलिए मैं पानी पीती हूँ शाम को, इसलिए मैं क्या करूँ महाराज? नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? महाराज जी 4 बजे से ही प्यास लगे आती, क्या तो नहीं पियोगे तो क्या होगा पता नहीं, आपका आशीर्वाद है कि पानी। एक आध दिन करके देख लेना क्या होता है, गड़बड़ हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए तो पी लेना, और नहीं बढ़े तो चला लेना। लगता है
तबियत खराब ना हो। ठीक है, शक्ति प्रमाण करो, आकुलता नहीं होना चाहिए। व्रत और नियम निराकुलता के लिए होते हैं। यदि आकुलता होती है, आवश्यकों में कमी आती है, प्राणों का घात होने की स्थिति बनती है, तो अपने शक्ति प्रमाण करना चाहिए, कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा रखेंगे निरंजन जी वैद्य, निर्माण मंत्री ज्ञानोदय नारेली, एवं इसके बाद तैयार रहेंगे मिश्री लाल जी गरिया, कोषाध्यक्ष नारेली। आग से अगर मोम की चीजें पिघलना छोड़ दे, आसमां पर चांद और तारे चलना छोड़ दे, पुष्प चलना छोड़ दे, शाखाएं झड़ना छोड़ दे, तो भी नामुमकिन है मेरे गुरुदेव विद्यासागर जी अपने भक्तों पर उपकार करना छोड़ दे। मुझे मालूम नहीं था निरंजन कवि नहीं तो कवि सम्मेलन बुलवा लेते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। एक आवत है गुरुदेव, जिसकी नियत साफ उसके दिन साफ, जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। तो ये आवत है, इसके बारे में जिसकी जैसी नियत, जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। बरकत बरकत, ठीक है। तो नियत, एक मिनट, नियत का अर्थ होता है जो जिस रास्ते पे चल रहा है उसको वही तो उपलब्धि होगी। नियत का शब्द का अर्थ होता है जो जिस कार्य के लिए जो यत्न करता है उसको उपलब्धि वही होती है। नियत शब्द बना है कारण से कार्य की विवक्षा, जिस कार्य के लिए जो कारण निश्चित किया गया है वही कार्य करेगा तो उसको उसी प्रकार का फल मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। जैसा जिसका सोच होता है, जैसे कहा ना अभी कि दुर्जन को हर चीज में दुर्जनता दिखती है, उल्लू को सूर्य में कभी गुण नहीं दिखता कि इसमें अच्छा क्या है। आज तक किसी उल्लू ने सूर्य की प्रशंसा नहीं की, सूर्य बहुत अच्छा है, सबको प्रकाश देता है, सब वो करते ही नहीं। ऐसे दुर्जन लोग होते हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखती, कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितना अच्छा है, उनको दिखता है वो दोष ना हो करके भी उनके काम नहीं आ पा रहा है, इसलिए वह उसकी बुराई करते हैं। यही है, जिसकी नियत जैसी है बरकत यानी फल वैसा ही मिलता है। जिज्ञासा रखेंगे मिश्री लाल जी गरिया कोषाध्यक्ष, एवं इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आरती जी सतभैया। परम पूज्य 108 ज्ञानोदय जनक निर्यापक समन मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में ज्ञानोदय परिवार संपूर्ण कमेटी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर, आज संपूर्ण राजस्थान को खांड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ करने वाले महामुनिराज परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से यही प्रार्थना है कब वो इंद्रप्रस्थ को ऊपर कब कलशा रोहण होगा, यानी ज्ञानोदय का पंचकल्याण कब होगा। महाराज जी, आज जो भी राजस्थान आते हैं उसको 7 से 8 दिन लगते हैं यात्रा करने में, पहले एक दिन में निकल जाता था, यानी जैसे बुंदेलखंड आते हैं वैसे राजस्थान की यात्रा होने लग गए महाराज जी आजकल। तो मेरा यही निवेदन है उस इंद्रप्रस्थ पे कलशा रोहण कब होगा। देखो, पांडवों के पास तो एक ही खांड इंद्रप्रस्थ था, मेरे पास तो इतने खांड प्रस्थ हैं। अब जहां बैठा हूं ये भी तुम्हारे जैसा खांड प्रस्थ था, तो हमें तो पता नहीं क्यों जहां जाता हूं खांड प्रस्थ ही मिलता है। और उनको इंद्र, ये भी पक्का है कि खांड प्रस्थ मिलता तो खांड प्रस्थ है, और तुम्हें सौंप देता हूं इंद्रप्रस्थ बनाकर। तो अब एक खांड प्रस्थ नहीं है, ना जाने कितने यहाँ बैठा हूं, तो यहाँ भी खांड प्रस्थों को इंद्रप्रस्थ बना रहा हूं। तो अब कहाँ किस रूप में अपना काम खांड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाना है, आगे ध्वजारोहण कहाँ कब कौन करेगा कैसा होगा ये हमने सोचा नहीं। मेरा काम तो है सारे संसार में हर जैनी का स्थान इंद्रप्रस्थ बन जाए, बस यही मेरी भावना। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती आरती जी सतवैया, एवं इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित जी चौधरी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा कोई धार्मिक अनुष्ठान एक माह पहले से फिक्स हो गया हो,
यदि उसमें एक दिन पहले सोर सूतक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उपवास आदि करते हैं तो कर लेना चाहिए, लेकिन उसको बाद में जब सोर सूतक अट जाए तो एक स्थान बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ऐसी समस्याएं आती हैं। उसका एक ही उपाय है कि उस व्रत को आगे बढ़ा लेना चाहिए उस पूर्ति के। जिज्ञासा रखेंगे अंकित जी चौधरी एवं इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रसन्न जी सिंघई। देवलाचार्य गुरुवरेश्वर विद्यासागर जी महामणिराज की जय। जगत पूज निर्यापक श्रीमान मणिपंग 108 मुनि सुदासागर जी महाराज के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि 24 सभूषण विधान महामंडल विधान की क्या महिमा है और इसमें बाध्यता करने से कितने पुण्य का बंध होता है? भगवान कोई भी विधान होता है उसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि व्यक्ति को जीवन में जो आकस्मिक और बड़ी बड़ी विपदाएं जो आती हैं उनसे बचाने वाला महापूजा होती है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर बहुत अच्छा उल्लेख किया। उन्होंने बहुत सारी पूजाओं के नाम दिए, सर्वतोभद्र, इंद्रध्वज आदि। इन पूजाओं से दो लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है कि जब सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में कुछ नियत सम करने के बाद कुछ अलग करना चाहता है, जैसे वो मकान तो बनाना चाहता है लेकिन रहने लायक के लिए नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन। गाड़ी तो चाहता है काम चलाओ के लिए नहीं, थोड़ा मॉडल अच्छा हो। शादी वाय मात करना उसका दस्तूर नहीं होता, शादी वाय करूँ तो शान शौकत से करूँ, इतने ही लक्ष्य नहीं है कि मात हाथ पीले कर दिए बस, नहीं, थोड़ा शान शौकत का भाव होता है। ये जो अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भाव होते हैं तो बस वैसे ही हमें धार्मिक कार्य करना पड़ेगा। पूजा करना है, एक पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, नहीं। कभी कभी ऐसी पूजा करो कि पूजा छोटी भी होती है हम ठाट बाट से पूजा करेंगे, हम अकेले पूजा नहीं करेंगे, सबको मिला के पूजा करेंगे, हम अकेले ही कोई धर्म दृष्टान नहीं करेंगे, सबके साथ करेंगे। उस समय पुण्यबंध ऐसा होता है कि व्यक्ति संसार के कार्य सोचता है, भले मेरा बेटा बिटिया की शादी है लेकिन हम उसमें सबको बुलाएंगे और सबको सम्मान के साथ भेंट आदि देंगे। ये भाव जो आता है ऐसा पुण्य का भाव, यानी अपनी जिंदगी में संसार में किसी भी कार्य के लिए थोड़ा अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का पुण्य चाहिए तो आपको धार्मिक क्रिया में भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। हम पूजा ही नहीं करेंगे, हम समोषण में बैठ के पूजा करेंगे, हम मात्र इसी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, गाड़ी तो कोई भी बैठ सके, नहीं साहब बड़ा आदमी हूँ मर्सिडीज में बैठूंगा, क्यों भैया क्या फर्क पड़ता है, छोटी गाड़ी मारुति वैन ले लो, वो भी वहीं पहुंचाएगी, वो भी वहीं पहुंचाएगी। नहीं महाराज जी, थोड़ा मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसी छोटी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो मेरी इज्जत का सवाल है, तो वो गाड़ी में नहीं बैठता। अब ऐसा पुण्य, सामान्य पूजा कर लो नहीं, नीचे बैठ के पूजा कर लो नहीं, नहीं मैं समोषण में बैठ के पूजा करूंगा। वही कंपेयर करना। आप बड़े आदमी व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, ई रिक्शा से जा रहा है, मारुति में बहन के जा रहा है और वहीं जा रहा है, एक व्यक्ति से कहा मैं नहीं बैठूंगा, मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन है, वो 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी से आ रहा है, दोनों एक ही स्थान पर आए, ये दोनों में फर्क क्यों हुआ? कुछ नहीं फर्क, महानुभाव उसने यही कहा होगा पूर्व भव में, भगवान को सिर पर लेके चले नहीं, भगवान की पालकी सोने की पालकी में लेके चलूंगा, छोटे मोटा नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं। यहां उसने कहा पूजा तो करूंगा लेकिन समोषण में बैठ के पूजा करूंगा, पूजा तो करूंगा लेकिन
अष्टद्रव से पूजा करूंगा। अब जाऊंगा तो सही, आपने देखा नेताओं के साथ, राजा महाराजों के साथ अकेले नहीं चलते, उनकी गाड़ी चलती है, 10 गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती है। ये पुण्य उनके यहां कहां से आ गया, कैसे पुण्य आ गया? कुछ नहीं, उन्होंने कभी ये किया होगा, अकेले पूजा नहीं करूंगा, पूरी समाज से मिलकर के पूजा करूंगा, ठाट से करूंगा, अकेला नहीं करूंगा, मानवा मान के करूंगा और बड़े ठाट बाट से करूंगा। बस ये जो होता है उधर, इसका जो फल है वो तुम्हारे संसार की अपेक्षा उपलब्धि है। तो जितना जितना स्टैंडर्ड मेंटेन अपन धर्म क्रियाओं में करेंगे उतना ही उतना फल मिलता है। पूजा तो अकेली सामान्य रूप से कल्पद्रुम पूजा अकेले बैठ के थाली में कर लेना बस, और कितने चावलों में हो जाएगी, 1 किलो चावल में पूरा कल्पद्रुम निपट जाएगा, एक एक चावल चढ़ाते जाएंगे बस, हाँ चढ़ जाएगा पूजा, कल्पद्रुम पूरा होगा। बस ऐसे ही तुम थाली में रोटी करने बैठोगे ना, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी यदि चावलों में अष्टद्रव की स्थापना कर ले में तो, अकेले चावल ले लिए, इसी को जल मान लो, इसी को चंदन मान लो, इसी को नैवेद्य, इसी को पुष्प, सब मान करके चावलों में, तो क्या महाराज जी पूजा नहीं होगी क्या? बल्कि होगी, पूजा होगी, इसमें किसने कहा? हम तो कहते भाव से करो तो भी पूजा होगी, पर ध्यान रखना फल कैसा मिलेगा, फल कैसा मिलेगा? जब तुम्हें भूख लगेगी तो रोटी मिलेगी, उसी को सब्जी मान लो, उसी को मिर्ची मान लो, उसी को नमक मान लो, सब उसी को मान लो ना, खा लो सब वही तो है। कैसी किस्मत है उनकी जिनको रोटी तो मिल रही है खाने लेकिन सब्जी नहीं मिल रही है। उन्होंने पूजा की थी अकेले चावलों से, अष्टद्रव अलग अलग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने चावलों को सब कुछ मान लिया था। और जिसने भाव पूजा की है उसको लिए भाव से जब जरूरत पड़ेगी पुण्य की तो भाव से भोजन कर लो ना, क्या बात है, भाव पूजा की है तो भाव भोजन कर लो। तो ये तो टिट फॉर टैट वाली बात है, जैसा करोगे वैसा मिलोगे। ये महापूजाएं मैंने हमेशा कहा, जिंदगी में हर राजा एक महापूजा करके ही अपने जीवन का अंत करते थे, क्योंकि उनको महत्वपूर्ण चाहिए। तो जो अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं, दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं, बड़े पाप, सामूहिक पाप, ग्रुप में पाप, उन पापों को कैसे धोएंगे आप, तपस्या तो करते नहीं। तो ऐसे जो महाविधान करते हैं इनमें ऐसे सामूहिक महापापों का क्षय होता है जो तपस्या से भी क्षय को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो पाप उसी समय कटेंगे जब सामूहिक पुण्य करोगे। सामूहिक पाप करने के लिए कितने बार सामूहिक पाप बांधता है व्यक्ति, सबके साथ ग्रुप बनाकर बांधता है, उस सामूहिक पाप की निवारण सामूहिक पुण्य से ही होता है। इसलिए समय समय पर ये चीजें, और कई लोग क्या होते हैं इतने कसाय में चले जाते हैं वो धर्म को ध्यान नहीं देते, पैसा आ गया अहंकार आ जाता है, अब उन्हें धन पुण्य से कोई मतलब नहीं है। जैसे रावण जैसे व्यक्ति, धन आ गया अब उनके लिए मन में नहीं, कल के दिन जब वो दाने दाने को मोहताज होंगे तब उनको पता चलेगा कि मेरे पास धन था लेकिन मैंने उपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार के ये जो महत् कार्यक्रम होते हैं ये आप गृहस्थों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे प्रसन्न जी सिंघई। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि समोसरण की उत्पत्ति कब होती है और गंधकुटी में अरहंत भगवान विराजमान होते हैं और उनकी चारों ओर एक सी मुद्रा दिखती है और उनकी वाणी किस भाषा में खिड़ती है और वहाँ दिन और रात होता कि नहीं होता? समोसरण की जो उपलब्धि है वो तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म से होती है, केवल ज्ञान से नहीं।
तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के उदय से समोषण की रचना होती है, और जब वो समोषण में बैठते हैं तो चतुर्मुख जो दिखते हैं उनका है तो होता तो एक ही है, लेकिन चतुर्मुख ऐसे नहीं कि चार मुख अकेले दिखते हैं, पूरी मुद्रा देती है चतुर्मुख। आजकल कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि जैसे चतुर्मुख मूर्ति तो एक ही है, एक मुंह इधर एक मुंह इधर इधर लगा दिया, ऐसा नहीं होता, पूरी मुद्रा चारों तरफ दिखती है, कहने में चतुर्मुख आता है। जैसे यहाँ सामने दिख रही है, यहाँ भी पूरी मुद्रा दिखेगी, पीछे भी पूरी मुद्रा दिखेगी, यहाँ भी पूरी मुद्रा दिखेगी, तो चारों पर चारों तरफ एक समान मुद्रा दिखना, ये उन तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है, केवल ज्ञान का नहीं, सभी अरहंत भगवान चारों दिशाओं में नहीं दिखते हैं, बाहुबली भरत आदि ये भी केवली हुए हैं, लेकिन ये चारों दिशाओं में नहीं थे। मां तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है कि वो चारों दिशाओं में बराबर देखने में आते हैं, ये और क्या। उनकी बात वाणी की भाषा जो है सर्व भाषा होती है, जिस भाषा में श्रोता समझता है उसके कानों में वही हास आती है, भगवान की कोई भाषा नहीं होती, उनकी वाणी अर्थ करी होती है। गणधर परमेष्टि का होना इसलिए है कि तुम लोगों को कुछ भी सुना जाए तो तुम पता नहीं क्या क्या अर्थ ले लेते हो। आज महाराज ने एक दूसरा कहा, मैं भी वही था ये कहा, तो तुम लोग कहीं अनर्थ ना कर लो तो गणधर परमेष्टि टेप रिकॉर्ड का काम करते हैं, प्रमाणिकता का काम करते हैं कि नहीं भगवान ने यह कहा था, तुम लोगों ने जो अलग अलग सुना है वो गलत है, ऐसा प्रमाणिकता के लिए। और एक और प्रिंसिपल जड़वाने मामले में समोसरण में एक बार है भगवान समोसरों में दिन और रात होते कि नहीं होते? नहीं होते। नमोस्तु आज बोलो फिर कल सुबह कितनी बार बोले परम पूज्य जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज की। बंधु हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं इस यशोदा तीर्थराज पर बनने वाला ये महातीर्थ, चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये तीर्थ कहां से कहां पहुंचने वाला है। ऐसे तीर्थराज पर हमारे क्षेत्र पर बनने वाले महामहिम, जिनको कहना चाहिए कि ऐसे महामहिम जो क्षेत्र पर परमानेंट रहते हैं, क्षेत्र की परमानेंट कमेटी में स्थापित रहते हैं, परमानेंट लेटर पद पर स्थापित रहते हैं, उन्हें कभी किसी इलेक्शन के लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे महामहिम है, शिरोमणि संरक्षक हैं, और ऐसे महामहिम बनने की 101 कलश में जो महामहिम इस क्षेत्र पर बनते हैं, ऐसे महामहिम की महिमा आपको बता दें कि जब भी तीर्थ क्षेत्र की कोई मीटिंग होगी, महामहिम ही वहां के उस क्षेत्र की मुख्य अतिथि अध्यक्षता करने के अधिकार रहते हैं। क्या होता है, जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, काम तो सारे प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना देश अनाथ माना जाता है। प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो 6 महीने तक भी चल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहेगा ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार सभी क्षेत्रों पर मैंने कहा ये कार्यकारिणी कमेटियां बनती हैं, अध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सब बनते हैं, ये ग्रुप वाइज बनते हैं, ग्रुप से बनते हैं, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। और जब कोई भी विधानसभा लोकसभा काम नहीं करती तो राष्ट्रपति उसको संभालता है। ऐसे ही सब क्षेत्रों में ये कमेटियां तो बदलती रहती, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन एक पद ऐसा हो महामहिम का जो कोई भी चुनाव आ जाए मुख्य पद तो सदा स्थापित रहे। जय हो। जो अध्यक्ष से भी बड़ा होता है, अध्यक्ष से ऊपर रहेगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, अध्यक्ष बदल जाएगा, दूसरा आ जाएगा, लेकिन महामहिम का पद कहीं बदलने वाला नहीं होता है,
ऐसा अभी इस बार सभी क्षेत्रों पर एक एक महामहिम की स्थापना करने की बात हुई, और महामहिम का अपने आप में एक मानना चाहिए उस संस्था का राष्ट्रपति। काम तो अध्यक्ष मंत्री ही करेंगे, लेकिन वो एक प्रकार का बहुत बड़ा सम्माननीय पद होता है। ऐसे असुदेव राजभर जो महामहिम बने हैं उसमें सर्वप्रथम नाम है श्रीमान प्रशांत जी सिंघई बंटी भैया, जिन्होंने 101 क्लास का महामहिम बनने की स्वीकृति पधारे पूज्य महाराज जी का मंगल आचरण। दूसरे इसी क्षेत्र के महामहिम में हमारे राजा जी चौधरी जोरदार ताली बजाए, जिन्होंने महामहिम बन करके इस क्षेत्र में यशोदा में तन से मन से धन से समर्पित करके भावना भाई है। इसी के बाद पीछे खड़े धरी देखोगे आगे शिरोमणि परम शिरोमणि संरक्षक जिन्हें बनना पड़ता है, ऐसे परम शिरोमणि संरक्षक जो लेटर हेड पर जिनका नाम परमाणु अंकित रहता है, इन्हें भी कभी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रथम 21 कलश में जिन्होंने नाम दिया है निशांत जैन प्रसाद मेडिकल परिवार, द्वितीय नाम दिया है 21 कलश में रविंद्र जैन शिवनगर जबलपुर पधारे पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। इसी क्रम में और शिरोमणि संरक्षक जिन्हें बनने का सौभाग्य मिला है मात्र 11 कलश में, और भी कोई पूरे देश से यदि कोई महामहिम बनना चाहता है परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहता है शिरोमणि संरक्षक बनना चाहता है परम संरक्षक बनना चाहता है क्षेत्र कमेटी संपर्क कर सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 11 कलश में श्रीमान आमोद चौधरी पधारे पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। इसकी राशि 11 कलश है परम संरक्षक 5 कलश के माध्यम से बनने का सौभाग्य नहीं मिला है श्रीमान आलोक चौधरी मैनेजर सेंट्रल बैंक मेहरोनी पधारे आशीर्वाद ग्रहण करें। और जिन लोगों को इस क्षेत्र कमेटी से जुड़ना है परमानेंट, इनका कोई इलेक्शन नहीं कलेक्शन नहीं सिलेक्शन नहीं, ये परमानेंट कमेटी में रहेंगे, ऐसे अधिकार सुरक्षित करने का मौका मिला है, उसका लाभ लीजिएगा। और जिन्हें संरक्षक बनना हो, संरक्षक वो पात्र कहलाता है उसे चुनाव में वोटिंग डालने का अधिकार है, उसे खड़े होने का अधिकार है, उसे पद लेने का अधिकार है, ऐसे संरक्षक बनना हो तो ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिस घर से संरक्षक सदस्य ना बने, उसकी मात एक कलश की राशि है जो जीवन में आप आजीवन सदस्य रहेंगे, और ये राशि भी आपको 5 सालों में किस्तों में देना है। इससे बढ़िया तीर्थ रक्षक संरक्षक बनने का सौभाग्य दुनिया में नहीं मिलेगा। आप आजीवन सदस्य रहेंगे, आप इस क्षेत्र के ट्रस्टी रहेंगे, आप क्षेत्र पर चुनाव लड़ने के अधिकार रहेंगे, आपको अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष अंतिम बनने का सिलेक्शन के माध्यम से चुनाव के माध्यम से अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये भावना जिनकी हो अपने नाम प्रसिद्ध करेंगे। जिज्ञासा समाधान का क्रम जो चल रहा है ये अंतिम जिज्ञासा और आप आगे बढ़ाएंगे। जिज्ञासा समाधान करेंगे सर्वज्ञ जी गोयल एवं इसके बाद तैयार रहेंगी दशम प्रथमाधारी ब्रह्मचारी सविता जी दीदी। सविता दीदी तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सदासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जो लौकिक शिक्षा हुई है उसमें शिक्षकों और अध्यापकों ने मुझे हर चीज में तर्क करने का सिखाया है, और ये ही धारणा मेरी धर्म के प्रति है। मैं जो मैं हर धर्म में भी हर चीज में तर्क करता हूँ, जहाँ तर्क संतुष्ट हो जाता है वहाँ तो बात ठीक रहती है, जहाँ मेरा तर्क संतुष्ट नहीं हो पाता है मेरा लॉजिक संतुष्ट नहीं हो पाता है मेरे मन में नास्तिकता का भाव उत्पन्न होता है। महाराज श्री इसकी समाधान करें कि इस भाव को हम कैसे रोकें। तर्क करना में कोई आपत्ति नहीं, तर्क तो होना ही चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं करना एक बात। दूसरी बात है तर्क करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति के सामने तर्क करो जो उसका समाधान नहीं करे और फिर तुम नास्तिक बन जाओ तो वो तुम्हारा मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति के सामने तर्क करो जो तुम्हारे तर्क का समाधान कर देगा तो फिर तुम्हारा मार्ग सही है, नहीं तो तुम किसी से कहो भैया मेरा ये है, अभी किसी से पूछ लो यहाँ से ये मंदिर क्यों बन रहा है, अगर तो बन रहा है अब मेरे से पूछो कि तर्क करो तो तर्क करो तो कुछ ऐसे व्यक्ति की बात करो जो तर्क का समाधान कर सके। जय हो। तुम्हारे जितने तर्क हैं मुझे दे देना, मैं आस्तिक बना दूंगा तुम्हें।
एक भी तर्क में तुम नास्तिक नहीं बन पाओगे, यूं नहीं करोगे, यूं करोगे। ऐसे ही तर्कशील लोगों के लिए तो ये जिज्ञासा समाधान है, करो तो सही तर्क, देखे फिर क्या उत्तर मिलता है। परम पूज्य धैर्य सहिष्णुता के धनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री, दो शब्द आते हैं, संत और वसंत। बसंत जब आता है तो प्रकृति लहलहाती है, और संत जब आते हैं तो संस्कृति और संस्कार लहलहाने लगती है, और आज यशोदा क्षेत्र में संस्कृति और संस्कार लहलहा रही है। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है, वैसे अभी आपने बहुत कुछ समाधान किया है, अभी हम लोग समय सार पढ़ रहे हैं, उसमें कर्ता कर्म अधिकार में 173 से लेके 76 नंबर की गाथा की टीका के अंतर्गत एक छंद आया है कि संसार की स्थिति के छेद के चार कारण बताए हैं, और छेद के चार कारणों में सबसे पहले द्वादशांग का ज्ञान, दूसरा तीव्र भक्ति, तीसरा करण परिणाम, और चौथा है केवली समुद्घात। तो ये केवली समुद्घात तो ठीक है, लेकिन ये तीन में से करण परिणाम भी संसार संस्कार माने संसार के छेद का कारण है, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान और तीव्र भक्ति से कैसे संसार का छेद होता है, मुनि श्री आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। ये चारों कारण के चारों कारण संसार की छेद करने में एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। संसार का छेद कोई द्वादशांग के संसार का छेद करेगा, कोई भक्ति से करेगा, कोई करण से करेगा, कोई समुद्घात से करेगा, ऐसा नहीं है। ये क्रम है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार में चारे चूलका में ये बात कही कि ज्ञान होने के बाद, ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा किसी भी वस्तु का, हम विश्वास कैसे करेंगे। तो वहाँ द्रव्य ज्ञान, जहाँ द्वादशांग शब्द आ जाए वहाँ द्रव्य ज्ञान लेना, भाव ज्ञान नहीं लेना। तो द्रव्य ज्ञान जब मिलता है कि मोक्ष है, ये शब्द जब तक कान में नहीं पड़ेगा तो वो विश्वास किस पे करेगा। छह द्रव्य सात तत्व हैं, जब तक ये कान में नहीं पड़ेगा तब तक वो श्रद्धान कैसे पड़ेगा। तो द्रव्य स्तुत के बिना कभी श्रद्धान नहीं होता है। द्वादशांग से भाव अर्थ का बिल्कुल मत लेना। द्वादशांग का अर्थ है द्वादशांग के द्रव्य स्रोत, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दर्शन गुण स्थान में ही द्वादशांग का ज्ञान उसे होता है, जिसे देशना लब्धि कहते हैं। पूरे द्वादशांग का नहीं, द्वादशांग में से देशना लब्धि में वह द्वादशांग का ज्ञान करता है, उपदेश सुनता है, अभी मिथ्या दृष्टि है, और उस देशना लब्धि में जो उसने द्रव्य सुत सुना है, सम्यक दर्शन होने के बाद वह द्रव्य सुत भाव सुत को उत्पन्न करता है। भाव से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, द्रव्य से भाव उत्पन्न होता है। भाव लिंग से द्रव्य लिंग नहीं आता है, पहले द्रव्य लिंग आता है फिर भाव लिंग आता है। भाव पूजा से द्रव्य पूजा नहीं आती है, द्रव्य पूजा से भाव पूजा आती है। तो उसी प्रकार वहां कहा जो द्वादशांग का बात कही है वो देशना लब्धि का प्रतीक है। जब वो देशना लब्धि में सुन लेता है तो उस पर वो श्रद्धान करता है, बिना श्रद्धान के उसे कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। और समंत भद्र महाराज ने जैसे सम्यक दर्शन कहा, सम्यक दर्शन यदि विकलांग है, नहीं मंत्रोक्षरण न्यूनो निहंति विश्वेदनाम शूद्र कह गए। फिर उन्होंने कहा करण, करण कहलाते हैं गुण स्थान, जब तक वो करणों को नहीं करेगा, आज तक बिना करण के कभी भी संसार का विच्छेद होता ही नहीं। मिथ्यात का विच्छेद करेगा तो करण करेगा, चारित्र मोहिनी का विच्छेद करेगा तो करण करेगा, अपूर्व करण, अनवृत्तिकरण आदि। तो करणों के बिना कर्मों का क्षय नहीं। फिर अंत में जो कर्म क्षय बचते हैं वो समुद्घात से पूरे कर लिए जाते हैं। इसलिए ये चारों प्रत्यय एक जीव में अधिकतम घटित होते हैं। केवली समुद्घात भजनी है, किसी को हो भी और नहीं भी हो, लेकिन तीन जो कारण हैं वे हर जीव के लिए एक साथ एक जीव में
भिन्न समय में घटित करना है, एक समय में नहीं, भिन्न समय में, लेकिन एक जीव के घटित होना चाहिए। इस अपेक्षा से संसार विच्छेद के कारण, कर्म की निर्जरा का कारण नहीं बताया उन्होंने, संसार विच्छेद, संसार विच्छेद अलग है और कर्म विच्छेद अलग है। तो संसार का छेदन जो होता है इन चार कारणों से होता है, ऐसा भक्ति भी कही है ना, तो हाँ, तीव्र अनुराग, जब तक जो हमने श्रद्धा किया है यदि उसके प्रति हमारा तीव्र अनुराग नहीं रहेगा तो हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं। छायक सम्यक दर्शन तीव्र अनुराग से होता है। जब तक हमें मोक्ष मार्ग के प्रति तीव्र अनुराग कहलाता है, जिससे हमें अनुराग होता है उसके लिए व्यक्ति मर जाता है, मिट जाता है। इसी प्रकार जब हमें कोई मार्ग पसंद आ गया तो उसके लिए हम चाहे मर जाएं चाहे कुछ भी करें हम उससे डिगने वाले नहीं। जैसे सुकौशल महाराज को अपने व्रतों के प्रति तीव्र भक्ति थी, तीव्र अनुराग था, श्रेणी खाती रही, उन्होंने अपने व्रतों से नहीं डिगे। भक्ति का अर्थ भगवान की ही भक्ति मत लेना, अपने व्रतों से भक्ति, अपने नियम से भक्ति, अपने चारित्र से भक्ति, अपने भेद विज्ञान से भक्ति, अपने ज्ञान से भक्ति, अपने स्वाध्याय से भक्ति, अपनी चर्या से भक्ति। अनुराग भक्ति का अर्थ बहुत रूप है। हमें अपनी चर्या के प्रति इतना अनुराग है कि मैं इसको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकती। सामायिक के प्रति भक्ति, गुणानुराग का नाम तो भक्ति है, और है क्या? तो ये है। फिर औपचारिक भक्ति, आजकल भगवान की गुरु की भक्ति कहना ये औपचारिक है, रूढ़िगत है। भक्ति का अर्थ है गुणानुरागी होना ही भक्ति कहलाता है। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से अद्वैत तीर्थ कमेटी सकल दिगंबर समाज मेहरौनी पुरुषार्थ करते करते आज इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य मिल सके, ऐसी भावना से सारे भक्त लोग बैठे हैं। एक समोसरण में नाम लिखा है श्रीमान महेंद्र कुमार ऋषभ कुमार राजा मलिया पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष लें। एक समोसरण वो किया श्रीमती भगवती देवी सिंगई मातेश्वरी पवन कुमार सुनील कुमार सिंगई सैदपुर वाले मेहरौनी। एक समोसरण वो किया है श्रीमान मोहनलाल प्रदीप कुमार प्रशांत कुमार महेंद्र कुमार आमोद श्रोमणी संरक्षक यशोदा तीर्थ कमेटी चौधरी परिवार पधारते जाए, समय कम है। एक समोसा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार श्रीमती रश्मि एडवोकेट अरविंद मलैया सुषमा मलैया शशांक मलैया श्रीमती शिल्पी मलैया, जोरदार तालियां बजाते जाओ। अरे ये पुण्य का योग है कि संतों के चरण रोकने का हमने एक बहुत बड़ा उपक्रम किया है कि धर्म की गंगा हमारी पावन धरा पर बहेगी और संतों की मंगल देशना सुनने का मौका मिलेगा। एक समोसा सवाई सिंगई हेमंत कुमार ऋषभ कुमार सत्येंद्र कुमार धीरेन्द्र कुमार विमान सिंगई परिवार सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। महाराज ये भक्त लोग तो श्रीफल चढ़ा रहे हैं, अभी इनके 21 की काउंटिंग कंफर्म हो गई, 3 पेंडिंग में रास्ते में चल रहे हैं, कुछ लोग बाहर गए हैं। और इनका ये कहना है कि महाराज श्री जब कोई सदनिमित्त मिलता है फिर भी व्यक्ति उस सदनिमित्त का उपयोग करने को समय नहीं निकाल पाता है, तो कल के दिन जब तुम्हारे ऊपर विपदा आएगी तो भगवान के पास से भी कहे मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कल्पद्रुम पूजा हुई थी। ओम शांति, रुके ओम। जैसे आपके यहाँ कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम था और आप नहीं गए तो कल तुम्हारे यहाँ होगा तो वो नहीं आएगा। इसी प्रकार ये धर्म क्षेत्र है, जब भगवान की पूजा भक्ति हो रही थी तब तुमने कहा हमारे पास समय नहीं है, कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से भी आवाज आएगी, भगवान कह देंगे हमारे पास समय नहीं है। भगवान के कहने का अर्थ करो। जब तुम कसायों में होते हो, कई लोग कसाय के कारण नहीं बन पाते, हमारा यहाँ से पटरी नहीं बैठती, ये कसायें तुम्हें कल बहुत महंगी पड़ेंगी। कल के दिन जब जाकर के तुम्हारे जीवन में आएगा तो ये यशोदा तीर्थ क्षेत्र का बाबा भी ये कह देगा कि भाई जब तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, बिल्कुल टिट फॉर टैट है। ये व्यवहार की क्रियाएं चलती हैं, तुम इधर के नहीं तो ये भी तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर जब तुम्हारी आंख में आंसू आएगा ध्यान रखना मेरे पास रुमाल नहीं है, भगवान के पास रुमाल नहीं है। इसलिए जब भी सदनिमित्त मिले उस सदनिमित्त को, क्योंकि सदनिमित्त की नहीं पड़ी है, सदनिमित्त के उपयोग करने की तुम्हारे लिए पड़ी है। मैंने कहा ना
पोज हैं ये भगवान, पोजीशन तो तुम्हारी बनना है ना, देखो पोज है महाराज लेकिन पोजीशन तो तुम्हारी बनना है, पोज है समोषण विधान लेकिन पोजीशन तो तुम्हारी बनना है कि तुमने यहाँ से क्या कमाया जब सदनिमित्त मिला था। तो ऐसे अंदर के परिणाम कसाय भाव राग द्वेष भाव छोड़ करके अपने आप को भक्ति में समर्पित करो। कल के दिन, आज तो तुम्हें अच्छा लगेगा, कल के दिन जब तुम्हें परेशानी आएगी तब तुम्हें याद आएगा कि मैंने भी इस प्रकार का परिणाम नहीं कर पाया था सदनिमित्त मिलने के बाद भी। तो जो लोग नहीं लिखा पाए हैं, मात्र दो नाम खाली हैं, अपने नाम लिखा देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि विधान हो और हम लोग वंचित रह जाएं। बाद में जब 24 संवत्सरण का मंडल यहाँ तैयार होगा, तुम अच्छे अच्छे धनाढ्य लोग अगर तुम्हारी आंखों से आंसू ना गिरे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैंने देखा है दुनिया में पैसे वाले बहुत हैं लेकिन दिल से नहीं सोचते, दिमाग से नहीं सोचते और कूप मंडूक बन के बैठ जाते हैं। मौका मिला है, लाभ ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, अन्यथा फिर तुम जानो बड़े बाबा जैसा जाने और तुम जानो। तो महाराज श्री कमेटी की भावना है कि महाराज श्री अभी तक सभी लोग दुविधा में है, क्योंकि महिलाओं को अपनी तैयारी करना है, कमेटी को अपनी तैयारी करना है, तो हमें ये संभावित तारीख तो बता दें कि कौन सी तारीख में विधान होगा। देखो तुम्हारी बात रहती है तो साधु की भी बात रहना चाहिए। तुम अपनी बात तो मनवा लेते हो, बहुत बदमाश हो तुम लोग, और साधु की बात नहीं मानते। मैंने कहा 24 लाओ और नाम पाओ, तो मैं भी 24 के पहले तारीख नहीं दूंगा, चाहे कैसे भी करो। अभी हाल लाओ तो अभी हाल बोल दू तारीख। गुरुजी तीन नाम कम है, आज ही तीन करो और आज तारीख पाओ, मुझे क्या। तुम क्यों एक का बट्टा लगा रहे हो, जब 21 कर लिए तो साधु को क्यों पीछे हटा रहे हो, तुम आगे आओ ना। मैंने परसों कहा था ना, कभी भी बड़े आदमियों को अपने अनुसार नहीं चलाना, सत्य को नीचे नहीं उतारना है, अपन को सत्य के पास जाना है। महाराज को नीचे मत लाओ, तुम ऊपर आओ, हमें क्यों पीछे ला रहे हो, तुम आगे आ जाओ ना। तीन नाम और आ जाओ और अभी हाल तारीख पा जाओ, क्या बात है। जाग जाओ मेहरौनी वालों। और आप ये सोच रहे हैं कि विधान इसमें होगा, ऐसा नहीं होगा, एक बहुत विशाल मंडप बनेगा, जैसे पंचकणा की तर्ज में पूरा विधान होगा, रात्रि के कार्यक्रम होंगे, अलौकिक दृश्य होगा, महाराज श्री साक्षात बड़े समोसरों में जाके बैठेंगे और वहां से उनकी मंगल देशना का लाभ लेंगे, जिज्ञासा समाधान भी वही होगा। ये सारे कार्यक्रमों का लाभ मिला है तो जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाओगे। कोरोना ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारा सौभाग्य था, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना से बच के बाद अगर समोसरों में नहीं बैठ पाए तो दुनिया के लाखों रुपए रोगों में तो खर्च कर दोगे। ये धर्म रूपी खेत में अगर पैसा नहीं लगाया तो जीवन में बहुत बड़ा पछतावा होगा। अभी भी हटा लो पुरानी ट्यूबलाइट, CFL लगा लो और तीन नाम जल्दी से दे करके गुरुमुख से तारीख ले लो, अन्यथा तारीख मिलने वाली नहीं है और गुरु चरण कब बिहार कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो आप लोग आशीर्वाद तो ले ही लो। चलिए हमारे बीच चमलेश्वर से आए हुए सभी भक्तजन गुरु श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें, और मेरठ से भी आए हुए महिला मंडल श्री गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करवे एवं यस और एक बात ध्यान रखना, श्रीफल कमेटी के लोग चढ़ा रहे हैं, जिसकी आरती की बोली लगे वही बैरिकेटिंग के आगे रहेगा, बाकी सब पीछे से आरती का आनंद लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आज की निर्यापक श्रवण श्री मुनिपुंगो श्री सुधासागर जी महामुनिराज की आरती का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा? 51 से 51 रुपया। आज की आरती की बोली 51 से 51 रुपया। और कोई सौभाग्यशाली, और कोई पुण्यार्जक? 11,111 रुपया। शीघ्रता कीजिए। 11,111 रुपया एक बार, 11,111 रुपया दो बार, और 11,111 रुपया एक, दो, ढाई, पौने और ये तीन बार। और आज ये निर्यापक श्रवण की आरती का सौभाग्य चंद्र प्रभु सेवा
महिला मंडल को प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत आभार। आइए और श्री आरती की बोली के सभी पुण्यार्जक परिवार ही केवल आगे आवे, शेष पीछे रहे। आरती चंद्र प्रभु महिला मंडल आगे आ जाए। बाकी लोग सभी पीछे रहेंगे। सभी श्री चंद्र प्रभु महिला मंडल के लोग सभी महिलाएं आ जाएंगी। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान।